नाजरीन राबियास किचन में खुश आमदीद और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ वाइट कढ़ाई। बीफ वाइट कढ़ाई के लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं, मैंने 2 kg बीफ ले लिया है साफ बीफ, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें। इसी के साथ मैंने लिया है 1 बड़ा बॉल फ्रेश क्रीम, आप चाहें तो बाजारी मलाई भी ले सकते हैं। काली मिर्च 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 प्याली, इसमें 8 से 10 अदद हरी मिर्च आप साथ ग्राइंड कर लेंगे। शान का वाइट कढ़ाई मसाला 2 पैकेट, आप चाहें तो घर के मसाले भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि घर में मेहमान है और मुझे क्विक कढ़ाई बनानी है तो इसलिए मैं शान का मसाला यूज कर रही हूँ। इसी के साथ आप ले लेंगे 1 kg दही। तरकीब, आप कुकर में अपने गोश्त को डाल लें। वैसे अमूमन तो कढ़ाई के लिए हम बड़े का या छोटे का गोश्त पहले बॉईल करते हैं, उसके बाद उसको मसाले में डालते हैं, लेकिन चूंकि अंदर तक टेस्ट नहीं जाता तो मैं हमेशा गोश्त उबालते हुए मसाले उसके अंदर ऐड करती हूँ। तो गोश्त, कच्चे गोश्त में हम 1 प्याली हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट और उसमें 8 से 10 अदद हरी मिर्च ग्राइंड करके वो डाल देंगे। इसी के साथ हम शामिल कर लेंगे 1 चम्मच काली मिर्च, आप चाहें तो कोई भी मसाला या फिर नेशनल का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा मसाला आप शामिल कर लेंगे, मैंने 2 पैकेट लिए हैं शान मसाला। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुकर के अंदर। इसी के साथ मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके इसे प्रेशर के लिए चढ़ा दूंगी ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। याद रखिए कि आप अपने शहर के मुताबिक गोश्त गलाएं, क्योंकि बलूचिस्तान में और क्वेटा में खासकर गोश्त जो है वो देर से गलता है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे, एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स। आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर अपने प्रेशर कुकर को चढ़ा दिया है। अब 25 से 30 मिनट तक हम अपने गोश्त को गलाएंगे और उसके बाद इसका फर्दर प्रोसीजर करेंगे। जिसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से जो है वो गल गया है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही और मलाई। नाज़रीन, गोश्त गलने के बाद जो अज्जा इसके अंदर अभी जाएंगे वो ये है कि हम पहले सबसे इसके अंदर फ्रेश क्रीम या मलाई, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंडर में थोड़ा सा ब्लेंड कर लें, और दही और दही को भी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें अच्छी तरीके से। इसी के साथ हम ये शामिल करने के बाद काली मिर्च, हरी मिर्चें, धनिया और नमक डालेंगे। नाज़रीन, इसमें हमने 1/2 कप जो है ऑयल शामिल कर लिया है, तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। नाजरीन, ये दही जो है हमने अच्छी तरीके से इसको फेंट लिया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें शामिल कर लेंगे मलाई, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं या फिर जो बाजारी मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें मलाई शामिल कर दी है। अब हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद इसमें हरी मिर्च और हरे धनिया से गार्निशिंग कर लेंगे। शामिल कर लेंगे 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच नमक और 7 से 8 अदद हरी मिर्च। इसको 5 मिनट तक हम पकाएंगे और उसके बाद फिर हरे धनिया से गार्निशिंग करके डिश आउट कर लेंगे। मैंने अपनी जो डिश है वो डिश आउट कर ली है, आप इसका कलर देख सकते हैं, इट्स डन, इट्स रेडी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में शेयर करें कि आपको कैसी लगी। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।